रानीगंज शिल्पांचल का हाई प्रोफाइल पुष्पा भालोटिया की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर पुष्पा भालोटिया की मौत के मामले की जांच सीबीआई के जिम्मे सौंप दी है। अब तक इस मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही थी। लगभग 5 महीने 17 दिनों के पश्चात पुनः कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी से जाँच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। गत 21 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुष्पा भालोटिया हत्याकांड की जिम्मेदारी यह कहकर सीबीआई को सौंप दी थी कि सीआईडी की जांच संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पुष्पा भालोटिया की मौत के मामले में मूल अभियुक्त उनके पति मनोज भालोटिया को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए पुष्पा भालोटिया की मौत की जांच की जिम्मेदारी सीपीआई को सौंपी थी, किंतु जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने के 1 सप्ताह के बाद पुनः जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को ही सौंपे जाने का आवेदन कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पुनः जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट से पुनः जांच का जिम्मा मिलते ही पुष्पा भालोटिया की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त मनोज भालोटिया को गिरफ्तार करने के लिए अपनी जांच प्रक्रिया तेज कर दी। गत 19 सितंबर को अभियुक्त पति मनोज भालोटिया को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 3 महीने बाद आसनसोल जेल में रहने के पश्चात गत 17 दिसंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मनोज भालोटिया को सशर्त जमानत दी थी। इसके साथ ही मनोज भालोटिया को हिदायत दी गई थी कि वे रानीगंज शहर स्थित अपने निवास समेत पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मनोज भालोटिया जमानत पर है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पुनः पुष्पा भालोटिया की मौत के मामले का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। इस तरह से देखा जाए तो पुष्पा भालोटिया की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। आखिरकार पुष्पा भालोटिया की मौत कैसे हुई, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर किन परिस्थितियों में पुष्पा भालोटिया की मौत हुई थी, यह रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है। दरअसल पुष्पा भालोटिया जलने के साथ ही उसके शरीर पर गोली लगने के भी निशान मिले थे। मृतका के परिजनों के तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि आखिरकार सीआईडी अब तक क्यों उसकी मौत को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर पा रही है, आखिर किन परिस्थितियों में पुष्पा की मौत हुई थी। वहीं पुलिस एवं सीआईडी की जांच में भी फर्क देखा जा रहा है। जांच प्रक्रिया में मिली विसंगतियों के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा फिर से सीबीआई को सौंपा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुष्पा भालोटिया की मौत के करीब 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक उसकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। अब जबकि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो यह उम्मीद बंधी है कि देर सवेर ही सही पुष्पा भालोटिया की मौत का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।